नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के बारे में, हम बात करेंगे AIMIM के विधायकों के बारे में जो कि अब राजद के साथ हो गए हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच में अब बिहार में भी राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। बिहार में इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। इसके बाद से बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बिहार के सियासत में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक कोचायधाम सीट से विधायक मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम, पूर्णिया के वाईसी से विधायक MLA सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के सीट से जो विधायक MLA थे अंजार नईमी ने RJD का दामन थाम लिया है। अगर हम बिहार के सियासी घटनाक्रम को देखें तो राजद अब नंबर 1 पार्टी बन गई है। RJD के अब तक के 76 विधायक थे, इनमें से 4 विधायकों के जुड़ने के बाद से RJD के 80 विधायक हो गए। वहीं NDA के घटक दल BJP के 77 विधायक हैं, यानी कि एक बार फिर से BJP बिहार विधानसभा में नंबर 2 की पार्टी बन गई है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में BJP के 74 विधायक जीते थे, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी यानी कि BIP के 3 विधायकों के BJP में शामिल होने से इनकी संख्या 77 हो गई। लालू यादव की पार्टी RJD सबसे ज़्यादा 75 सीटें जीत कराई थी, BJP के 74, जदयू के 43, कांग्रेस के 19, CPI ML के 11, हम और BIP के 4 विधायक जीत कर आए थे 2020 विधानसभा में। इसके अलावा CPM के 3, CPI के 2 और LJP और BSP और निर्दलीय ने एक एक सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इस साल मुजफ्फरपुर के बोझा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में RJD ने जीत दर्ज की, उनके विधायकों की संख्या 76 कर ली गई थी। 2020 में बोझा सीट से VIP के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन उपचुनाव में यहां से BJP ने NDA प्रत्याशी के रूप में भाग आजमाया, लेकिन उन्हें हार मिली। पिछले करीब 2 साल से LJP, BSP और निर्दलीय के एक एक विधायक जदयू में शामिल हो गए, यानी अब विधानसभा में जदयू की स्थिति 46 विधायक वाली हो गई है। बिहार की वर्तमान सियासत में बसपा, लोजपा और VIP के विधायकों के बाद अब AIMIM के विधायकों के टूटने से चारों विधानसभा के 1.5 साल में राज्य में 4थी छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरे की घंटी बज गई है। इससे पहले कैमूर से जीते बसपा के एकमात्र विधायक जमा खां और मटिहानी से जीते लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह जदयू में शामिल हो चुके हैं। वहीं हाल ही में BIP के 3 विधायक सुवर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव और अशोक कुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इसमें तीनों पार्टियां बसपा, लोजपा और VIP का विधानसभा से अस्तित्व भी समाप्त हो गया। हालांकि AIMIM के नेता अख्तरुल इमाम के पार्टी में बने रहने से विधानसभा में अभी भी इनका अस्तित्व बचा हुआ है। बिहार में अगर हम वर्तमान सियासी घटनाक्रम को देखें तो जो बातें कही जा रही है कि क्या AIMIM के 4 विधायक अगर RJD में वो शामिल हुए हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनने की स्थिति बन रही है तेजस्वी यादव की। अगर हम समझेंगे कि क्या कुछ गणित है अभी विधानसभा के वर्तमान सत्र की। बिहार में बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की ज़रूरत होती है। AIMIM के विधायकों के RJD में शामिल होने के बाद से एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या RJD सरकार बनाने की हैसियत में है। यहाँ राजनीतिक गणित अगर हम लगाएं, उसको हम समझने की कोशिश करें तो RJD के पास वर्तमान में 79 प्लस कांग्रेस की 19, CPI ML के 11, CPI M के 3, CPI के 2 विधायक एक साथ हो सकते हैं। यानी कि अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो इसमें इतने विधायक एक साथ आते हैं और ये आंकड़ा जोड़कर होता है 115 विधायक। यानी कि AIMIM के 4 विधायक RJD में शामिल होने के बाद भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी RJD की बहुमत का आंकड़ा जो है 122 का, उससे 7 विधायक पीछे है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में RJD कोई तोड़जोड़ की राजनीति करेगी या फिर ये एक बहुमत के रूप में विधानसभा में जिस तरह की स्थिति है उसमें अभी RJD सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार के सामने खड़ी रहेगी और सरकार के मुद्दों के साथ उनको विधानसभा में परेशान करने की कोशिश करेंगी। बिहार के सियासत में आगे अभी और बहुत कुछ होना है। इसी तरह की वीडियो के साथ हम हमको और रूबरू कराते रहेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।